अब हम देखेंगे लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कुछ लॉज है जो रिलेटेड है ऑस्मोटिक प्रेशर से। ऑस्मोटिक प्रेशर हमने देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑन द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो भी ऑस्मोसिस की वजह से सॉल्यूट पार्टिकल जो है, उन सॉल्यूट पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट हो रहा है किसके ऊपर? सेमी परमिएबल के ऊपर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर, SPM के ऊपर। तो इसकी वजह से दे डेवलप्स द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट इज कॉल्ड एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। सो वी से दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। जितने ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। सो वी ऑलवेज से दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट लॉ इज डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर दैट इज कॉल्ड एज द वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ हमें याद है, गैस के लिए बॉयल्स लॉ। गैस के लिए बॉयल्स लॉ क्या है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट क्या? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब यहाँ पे ये गैस के लिए है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के लिए क्या आता है? सॉल्यूशन के लिए आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है? That means it is called as the concentration. So osmotic pressure is depends on the concentration of solution. So we say that osmotic pressure is directly proportional to the, जैसे बढ़ेगा कौन? Solute particles की संख्या बढ़ेगी वैसे osmotic pressure बढ़ेगा। So osmotic pressure is directly proportional to the number of सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। इसको एक ही शब्द में बदल देते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को लिखेंगे ब्रैकेट में, इसको लिखेंगे एक ही शब्द में कंसंट्रेशन। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ क्या? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि पता है हमें टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी सॉल्यूट पार्टिकल्स की, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी सॉल्यूट पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उसकी, बम्बार्डमेंट बढ़ेगी मतलब प्रेशर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर भी बढ़ेगा, तो टेम्परेचर को हमें रखना है कॉन्स्टेंट, तो इसलिए हमने रख दिया यहाँ पर, लिख दिया एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। We always say that it is inversely proportional to osmotic pressure is inversely proportional to the volume of the solution is the vent of Boyle's law, ठीक है? तो इसको लिखेंगे हम इक्वेशन के फॉर्म में, पाई इज मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो सी इज इक्वल टू एन बाय वी, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, वी मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो एन बाय वी इज इक्वल टू सी कंसंट्रेशन। तो इस वैल्यू को लिखेंगे सी की जगह, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर n इज इक्वल टू वन मोल है तो ऐसा भी लिख सकते हैं पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो कंक्लूजन क्या है? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c एंड पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पाई बढ़ेगा c बढ़ेगा, पाई भी बढ़ेगा। जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गए, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ गए, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, बम्बार्डमेंट बढ़ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। वॉल्यूम इंक्रीजेस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो वॉल्यूम इंक्रीजेस, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेस, बिकॉज प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस एरिया में, इस एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे क्योंकि इतना वॉल्यूम था पहले, वॉल्यूम इतना था,
अब इसमें हमने मिला दिया पानी तो वॉल्यूम बढ़ाया। अब समझो यहाँ पे दो पार्टिकल्स बम्बार्ड हो रहे थे, अभी एक पार्टिकल चला गया यहाँ पे, तो यहाँ पार्टिकल्स की संख्या हो गई कम, तो वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हुआ। तो पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और यहाँ पे बोल सकते हैं कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसका डिवाइडेशन कांस्टेंट होता है। कैसे? ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, तो दोनों का प्रोपोर्शन कॉन्स्टेंट। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनका मल्टीप्लीकेशन कॉन्स्टेंट। कैसे? वी बढ़ा, पाई कम हुआ, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कॉन्स्टेंट। वी कम हुआ, पाई बढ़ा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो लिख सकते हैं पाई बाय सी इज कॉन्स्टेंट एंड पाई बाय पाई इंटू वी इज कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। सो दिस इज द वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ, स्टेट्स दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, दैट मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। चलो इसी के साथ नेक्स्ट लॉ देखेंगे, वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ, तो वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ ये बोलता है कॉन्स्टेंट। अभी 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 पहले एग्जांपल देखेंगे, तो यहां पे हमने क्या लिया, समझो यहां पे बम्बार्डमेंट हो रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर सोल्यूट पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट हो रहा है। जैसे सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ेंगे, समझो यहाँ पे कितने सोल्यूट पार्टिकल्स है, 1, 2, 3, 4, 5 इतने ही सोल्यूट पार्टिकल्स है यहाँ पे, समझ लो। तो कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट है। अब इसका हमें ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाना है, क्या करना पड़ेगा, समझ रहे ना? क्या किया, समझो यहाँ पे 5 सॉलिड पार्टिकल्स है और दे आर बम्बार्डेड ऑन दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड क्रिएट्स अ प्रेशर दैट इज कॉल्ड एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कॉन्सेंट्रेशन को कॉन्स्टेंट रख के, ये पता है हमें कि इस यहाँ पे अगर बढ़ा दिए यहाँ पे मॉलिक्यूल सॉलिड पार्टिकल्स के, तो बम्बार्डमेंट बढ़ेगी और प्रेशर बढ़ेगा, तो हमें ये नहीं करना है। तो कॉन्सेंट्रेशन को कॉन्स्टेंट रख के हमें ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, हम ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यही है वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाया, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मतलब बम्बार्डमेंट बढ़ गया, तो बम्बार्डमेंट बढ़ गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। क्या कॉन्सेंट्रेशन, क्या कॉन्स्टेंट होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन जब कॉन्स्टेंट होता है तब टेम्परेचर बढ़ाओ ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अब आगे जाएंगे, दोनों लॉ को मिलाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट लॉ जो था वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या था, बॉयल्स लॉ था पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और ये लॉ क्या है चार्ल्स लॉ, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दोनों को मिलाते हैं यहाँ पे, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दोनों को मिलाया तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये मल्टीप्लीकेशन में आया तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, पाई इंटू वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, अब इसको प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लेंगे और इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, तो पाई वी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी को हटाया और कॉन्स्टेंट लिया के टी, पाई वी इज इक्वल टू के टी। हमें पता है गैस लॉज के लिए पी वी इज इक्वल टू आर टी, तो ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है, ये आर क्या है, गैस कॉन्स्टेंट है, तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो पाई वी इज इक्वल टू आर टी, इस तरह से लिख सकते हैं हम। अब इफ फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स,
फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स। समझो उस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, एन नंबर्स ऑफ मोल्स है, तो हम क्या लिखेंगे, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, इस तरह से लिखेंगे हम, ठीक है। अब पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई क्या है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है, आर क्या है, कांस्टेंट है, टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब यहाँ पे गड़बड़ी होती है, क्या होती है, ये पाई किसमें लेना है, वी किसमें लेना है, एन तो नंबर ऑफ मोल्स है, आर गैस कांस्टेंट वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे सॉल्यूशन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगा ये पता नहीं होता है। तो ध्यान में रखो हमेशा, अगर पाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आता है, अगर पाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस क्वांटिटी में है, तो वॉल्यूम आना चाहिए एम क्यूब में। ध्यान में रखो, अगर पाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिया है हमने, तो वॉल्यूम लेना चाहिए एम क्यूब में, तब आर आता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, इतना आता है आर। मतलब आर कहाँ पे कितना लेना है ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो जब पाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेते हैं, तो वॉल्यूम एम क्यूब में आता है, तब आर आता है आपका 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल में, ठीक है। अब पाई अगर हमने एटमॉस्फेयर में लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पाई अगर एटमॉस्फेयर में लिया, तो वॉल्यूम आना चाहिए डीएम क्यूब में। अब डीएम क्यूब और लीटर सेम होता है, तो वॉल्यूम आना चाहिए डीएम क्यूब में, तब आर आता है कितना, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक, लीटर एटमॉस्फेरिक, जूल की जगह हमने क्या लिया, लीटर, ये लीटर डीएम क्यूब एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल, ये लिया हमने, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, क्या है, जब पाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आता है, तब वॉल्यूम होना चाहिए एम क्यूब में, तब आर की वैल्यू लेना चाहिए हमें 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और जब पाई आता है एटमॉस्फेयर में, तब हमें वॉल्यूम लेना है डीएम क्यूब में, मतलब लीटर में, तब आर की वैल्यू आती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल में, ठीक है। आगे जाएंगे तो पाई इज इक्वल टू यहाँ पे, तो पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, यहां तक आए थे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू, ये वी जाएगा डिनोमिनेटर में, तो एन बाय वी इंटू आर टी, ठीक है। अब एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स है, तो एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स W2 डिवाइडेड बाई M2, तो इसको कहेंगे N2 या N लिखेंगे। तो N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, N है नंबर ऑफ मोल्स, W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, M2 क्या है, M2 है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, M2 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो इसकी जो वैल्यू है W2 डिवाइडेड बाय M2, इसको लिखेंगे N की जगह पे, तो ये इक्वेशन क्या आएगा, पाई इज इक्वल टू N की जगह लिखेंगे W2 डिवाइडेड बाय M2, समझ में आ रहा है ना, पाई इज इक्वल टू N बाय V इज इक्वल टू आर टी, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पाई इज इक्वल टू N बाय V आर टी, तो N का, N की जो वैल्यू है W2 डिवाइडेड बाय M2, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास की, तो ये जो W2 डिवाइडेड बाय M2 है, इसकी जो वैल्यू है वो लिख देंगे N की जगह, तो इक्वेशन आएगा पाई इज इक्वल टू N की जगह ये वैल्यू लिखेंगे W2 डिवाइडेड बाय M2, तो ये W2 डिवाइडेड बाय M2 इनटू RT एज इट इज लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम,
तो पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। डब्ल्यू टू क्या है? मास m2, तो लिख दिया हमने उसकी जगह n2rc/solvent। पहले सॉल्वेंट लेते हैं इसलिए 1 लिखा, बाद में सॉल्यूट लेते हैं इसलिए 2 लिखा। तो w2 डिवाइडेड बाय m2 इट इज द वेट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू rt डिवाइडेड बाय v। ठीक है, तो पाई m2 इज इक्वल टू, यहां पे लिया m2 को, तो पाई आएगा उसकी जगह, तो w2 डिवाइडेड बाय पाई इनटू rt डिवाइडेड बाय v। सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। सो वी कंक्लूड दैट पाई इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर, मेथड्स यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। देन आफ्टर वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस रिलेटेड विद द ऑस्मोटिक प्रेशर, and at last laws, that is the went of Boyle's law, went of Charles law and the combined laws, that is pi is equal to crt. How it is, it becomes the pi is equal to crt, n by v is equal to c. So pi is equal to, this equation becomes pi is equal to crt. So by using this equation we can conclude that this is the osmotic pressure is the colligative property. So channel ko like karo, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहो।